बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 3 अप्रैल 2024 को क्लास सेवेंथ का एसएसटी का फाइनल एग्जाम है, जो कि द्वितीय पाली में लिया जाएगा। प्रथम पाली में आपका गणित का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपके करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वायरल क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आप लोग नए हो भारतवर्ष क्लासेस पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अन्य सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर जुड़े रहिएगा, आपको जल्दी ही गणित साइंस वगैरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक अंकीय, दो अंकीय और पांच अंकीय जितने भी यहाँ पे रहते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी स्टूडियो पे आता है 500 लाइक इस वीडियो पे आता है तो इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से प्रश्न है और उसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पर मैंने सभी विकल्पों को हटा दिया है, सीधा प्रश्न और उसका आंसर याद रखना है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट रखिए, आंसर उसका क्वेश्चन और उसका आंसर याद रखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो दे रखा है, हजारों साल पहले के मानव के विकास की यात्रा की कहानी को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा इतिहास, नोट कर लेंगे इतिहास। दूसरा प्रश्न, इतिहास की विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तीन, तीन है, आप सभी जानते हो प्राचीन, ठीक है, नोट कर लीजिए ये भी चीज़ें, प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो तीन भाग में यहाँ पर विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों चीज़ें नोट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, वह कौन अरबी भूगोलवेत्ता था जिसने भारत को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया। यहाँ पर सही उत्तर होगा अल इदरीसी, नोट कर लीजिए अल इदरीसी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। चौथा प्रश्न, अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स्पेन, स्पेन में अल इदरीसी का जन्म हुआ था। पाँचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस बादशाह ने किया। यहाँ पर सही उत्तर होगा बाबर, बाबर ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, बाबर होगा, आप सभी जानते हो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। छठा प्रश्न, तोप एवं बारूद का प्रयोग किस सदी में प्रारंभ हुआ। तो 16वीं सदी में तोप एवं बारूद का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। सातवां प्रश्न यहाँ पर है, इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ का क्या नाम है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कुरान शरीफ, इस्लाम धर्म का। वही अगर सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म की पूछा जाए तो भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। आठवां प्रश्न है, प्रथम खलीफा कौन थे। तो सुलेमान प्रथम खलीफा थे, नोट कर लीजिए। नौवां प्रश्न यहाँ पर है, चर्चनामा में किस विजय की जानकारी मिलती है। यहाँ पर है सिंध विजय, सिंह नहीं होगा सिंध होगा, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चर्चनामा का लेखक पूछा जाए तो इसके लेखक अज्ञात हैं, इनके लेखक का नाम पता नहीं है। दसवां प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पे नोट करेंगे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली दूर है, ठीक है। ग्यारहवां प्रश्न आया है, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था। तो यहाँ पे नोट करेंगे, उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ओके बच्चा, वीडियो यहाँ पर 7 होगा। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ बच्चा लाइक करते चलिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए। 12वां प्रश्न यहाँ पर है, चोल अभिलेख में कितने तरह के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 3 तरह के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, 3 नोट करेंगे। 13वां प्रश्न, चोल राज्य को किससे राजस्व प्राप्त होता था। तो यहाँ पर है नोट करेंगे, भूमि तथा व्यापार कर से, भूमि तथा व्यापार कर से चोल राज्य को राजस्व प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, है ना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें से यहाँ पे गोरी हार गया था, दूसरे में गोरी जीता था। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 15वां प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुलेमान कौन था। तो कौन था प्रथम सुल्तान, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था।
16वां प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर नोट करेंगे 78%। ठीक है बच्चा, 78% नोट करते चलिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही अगर आपको पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत है, तब आप कितना बचाओगे? ऑक्सीजन गैस, बहुत सही बच्चा, लगभग 21% यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस 21% है और यहाँ पर आपको पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% है। नियोन गैस कितना है? 0.0018% है। हाइड्रोजन गैस कितना है? तो 0.00005% है। और ओजोन गैस कितना है? तो 0.00006% है। ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो इसे हम परपट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपट्टी। नोट कर रहे हो, बहुत सही। 18वां प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 18वें का सही उत्तर होगा 5 जून। 19वां प्रश्न यहां पर है, दक्कन का पठार किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। यहाँ पर सही उत्तर होगा बेसाल्ट। 20वां प्रश्न, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा क्रेटर। 21वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। ठीक है, और ये जो तीव्रता है यानी 5 है 6 है 2 है 8 है, ये सभी किस पर दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर ये सभी देखा जाता है। 22वां प्रश्न है, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो नोट करेंगे बच्चा, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मृत, जो कि जिसमें उद्गार बहुत सालों से नहीं हुआ है। दूसरा होता है प्रसुप्त, जिसमें उद्गार होने की संभावना या कभी कभी उद्गार हो जाता है। और तीसरा होता है जागृत, जो कि लगातार विस्फोट होते रहता है। ठीक है, नोट करिए। 21 यहाँ पे अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो यहाँ लिखेंगे सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 24वां प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो समताप मंडल। चूंकि यहाँ पर समान ताप होता है, इसीलिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है वायुमंडल उड़ाने के लिए। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो नोट करेंगे, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वहीं आपको पूछा जाए कि पवन की गति किसमें मापी जाती है? अनीमोमीटर। 26वां प्रश्न आया है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो आपने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, आपको याद भी होगा क्या होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र लोगों का लिए लोगों के शासन को कहते हैं, या फिर जनता के लिए जनता के शासन को लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। तो जनता का शासन लोकतंत्र होता है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। 28वां प्रश्न, संविधान का 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में। ईवीएम का प्रथम प्रयोग कहाँ के चुनाव में हुआ था? देखिए, अभी हाल ही में चुनाव है, तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चा। चुनाव, यहाँ पर ईवीएम का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और केरल के नॉर्थ परावूर में 1988 में इसका प्रथम प्रयोग हुआ था, भारत के संदर्भ में कही जाए तो। 30वां प्रश्न, झारखंड में कितने सदनीय व्यवस्था है? तो झारखंड में 1 सदनीय व्यवस्था है। चलिए अब हम देखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आया है यहाँ पर, रजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया? तो यहाँ नोट करेंगे, रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम शासिका थी। रजिया ने वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला काबा और कुलह को अपनाया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, ये प्रथम महिला शासिका भी थी, ये भी नोट कर लीजिएगा।
32वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था? तो लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो नोट करेंगे, बहुत ही शानदार सा उत्तर है, ये उत्तर आप याद कर लीजिएगा। लिखेंगे, वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल, जाति, धर्म, रंग, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार। ठीक है, 34वां प्रश्न यहाँ पर आया है, कहता है, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन सी है? तो लिखेंगे, झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त निम्न दल है। पहला, ऑल झारखंड, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, टेंडुता नहीं होगा, स्टूडेंट, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यहाँ पे जो टेंडुता लिखा है इसको आप काट कर यहाँ स्टूडेंट कीजिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक JBMP और राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD, नोट कर लीजिए। 35वां प्रश्न है, चट्टान और खनिज में अंतर बताइए। तो लिखेंगे, चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका कोई निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चा यह था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए। जल्द ही यहाँ पर अन्य विषय का भी अपलोड होगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक आप यदि टारगेट अचीव करते हो 500 लाइक का, तो आपको इसकी PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।